स्पोक्समैन टीवी वालों सारे नूं सत श्री अकाल। किसान की खुदकुशी का मुद्दा होए, नशे का मुद्दा होए, पंजाब विच वधदी गैंगवार का मुद्दा होए, सब आर्थिक संकट नाल ही जुड़िया होया है। तो इस कुत्थी नूं सुलझाण वास्ते सब तो बेहतर बंदे नाल बैठे हाँ असीं पंजाब के वित्त मंत्री सरदार मनप्रीत सिंह बादल। साडा जुड़न लई बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू निमरत कि तुसीं मौका दित्ता स्पोक्समैन टीवी ते मैनूं अपनी गल रखण दा। वी जी असी चुनाव तो पहला भी बैठे सीगे ते तुसी उस वक्त बहुत आसवान सी कि जे तुसी पंजाब सरकार बनांदे हो तो तुसी पंजाब नूं कर्जे विचों बाहर कढ सकते हो। अज चार महीने बाद की सिचुएशन लगती है? देखो पंजाब दे जिहड़े हालात है वो काबिले रहम है और ये सानू विरसे च मिले हुए है जी। और जिथों तक सरकार दा तल्लक है या फाइनेंस मिनिस्टर का तलक है, मैं तो एक किस्म का एक शीशा है, एक आईना है। तो शीशा तो इंसान अपनी असली शक्ल दिखा सकता है। जो उन्होंने अच्छी लगती है तो वाह भली, जे नहीं लगती तो यह दरअसल एक हकीकत है। पर जितों तक पंजाब के आर्थिक हालात का संबंध है, इस वेले बजट पेश किया सी तो मैं पंजाब असैम्बली भी यह गल कही सी कि इस साल जिहड़ा बजट है एक घाटे का बजट है जी। अगला साल भी घाटे का जाएगा, तीसरा साल भी घाटे का जाएगा, चौथे साल दे। और चौथे साल दे विच जे परमात्मा नूं मंजूर होया तां पंजाब दा जिहड़ा बजट है वह सरप्लस च आ जाएगा। और ये तीह साल बाद आएगा कि ये पहली बार पंजाब जिहड़ा है ये सरप्लस चला गया। जी परमात्मा ते असी सारा विश्वास करते हैं, बट जब इत्थे आंदी ते असी आप की कोशिश करांगे कि वो सरप्लस विच आए? नहीं जी, मैं ये तो एक कहने का अंदाज हुंदा है कि परमात्मा ने चाहा, परमात्मा तो डरने वाले लोग हैं। पर असी जिहड़ा अपना मीडियम टर्म फाइनैंशियल प्लैनिंग की है पंजाब की, वो यही असी करके हटे हैं कि चौथे साल दे विच असी अपने रेवीन्यू नूं सरप्लस लैके आना, क्योंकि जे असी सरप्लस इहनूं नहीं लैके आते तो हर लिहाज नाल ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट ना, इंफ्रास्ट्रक्चर ना, यू नो हर लिहाज नाल जिहड़ा पंजाब फिर ये बहुत पिछड़ जाएगा। कि असी ऑलरेडी असी बहुत बाकी राजा दे मुकाबले असी बहुत पिछे चल रहे हां, पिछे चल गए और साडे लई ये शर्म दा बाइस है। पर इहनूं किवें ना किवें असी इहनूं ठीक करन दी कोशिश लगे होए हैं। और जिस तरह मैं कहा कि चौथे साल दे विच इहनूं सरप्लस लैके आवां। ओके जे असी अज देखिए तुसी चार महीने बाहरों बैठना अलग होंगे, तुसी अंदर हुण सारे खाते बड़ी बरीकी नाल तुसी देख ले होने हैं, अज की कारण है कि पंजाब पिछे रह गया? मैनूं लगता है कि जे पंजाब नाल जो पिछला समा बीतिया है, जे पंजाब नाल गद्दारी ना हुंदी, जे पंजाब नाल थोड़ी बहुत भी मुहब्बत हुंदी, और जिस तरह मैं हमेशा ये पंजाब कहना हुंदा कि जिहड़े लीडर हुंदे है, लीडर एक माँ बाप की हैसियत रखते है और माँ बाप अपनी औलाद के सामने कदे घटिया गल्लां नहीं करते। जो पिछले 10 साल गुजरे है पंजाब वास्ते ये बहुत बुरे, पंजाब की जिहड़ी ग्रोथ रेट सी वो 4-5% ते रह गया सी। गद्दारी दा एग्जाम्पल दे सकते हो? गद्दारी किस तरह, मैं तुसी कोई सानूं तुसी हुण जानदे हो कि अंदर की चीज़ां होईयां? गद्दारी मैं पता नहीं थोड़े सुनने वाले इस गल नूं एप्रीशिएट करनगे कि पिछले फाइनैंशियल ईयर दे विच जिथे पंजाब दे एससी बच्चों नूं स्कॉलरशिप नहीं मिल सकिया, 13,000 करोड़ दियां जिहड़े कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे पैसे आ चुके है साडे खजाने च, पर वो असी डाइवर्ट करते, और डाइवर्ट किस ते करते? वॉलीबॉल दियां किट्स ते, बर्तन वंडन च, मतलब गलियां नालियां बनाउण च। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे जिहड़ी फ्लैगशिप एग्रीकल्चर दियां कोई स्कीमां होणियां या कोई पॉवर्टी एलिवेशन दियां स्कीमां होणियां, मैं उसनूं गद्दारी गिणना है। मैं इसनूं भी गद्दारी गिणना है कि पिछले फाइनैंशियल ईयर दे विच 1500 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने यादगारां बनाईयां, यू नो कोई फ्रीडम फाइटर्स दे नाँ ते, किसी होर दे नाँ ते 1500 करोड़ रुपया। मूँह ना कह देना कि अरे ये इन्होंने ये लाया, क्योंकि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स सी। अज तो 3 महीने कबल इत्थे पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स दा एजिटेशन होया, और पंजाब यूनिवर्सिटी दे
जो वाइस चांसलर मैनू मिलन आए क्योंकि और पंजाब यूनिवर्सिटी का किड्डा वड्डा मुकाम है किड्डा वड्डा ना है और उनू पंजाब गवर्नमेंट ग्रांट दिंदी है 20 करोड़ और वो है कि सानू 10 करोड़ होर दे दिओ साडा एजिटेशन खत्म हो जाएगा तुसी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी है हेल्थ साइंसिस दी रब्बा वर्गे लोग है जिहड़े उन्हूं चला रहे हैं डॉक्टर राज बहादुर उन्हां दी टीम उत्थे कैंसर दा इलाज हो रहा है उत्थे तुसी जाके देखो किस किस्म दे पेशेंट्स आंदे है बड़े गरीब आंदे है और वो मैनू ये दुहाई कर रहे सी कि 40 करोड़ रुपया जे होर दे दो तो असी हस्पताल बहुत वधिया तरीके नाल चला सकते हैं सो 10 ते 40 50 इस तरह ही सैनिक स्कूल कपूरथला है 17 साल इस स्कूल नू प्रेसिडेंट का अवार्ड मिलिया सब तो ज्यादा ऑफिसर कैडेट्स जेड़े है 17 साल लगातार इस स्कूल ने भेजे और पिछले 10 सालों च इनू कोई ग्रांट नहीं मिली और इस साल इनू 10 करोड़ रुपया दिता है 50-60 करोड़ रुपए जिहड़ियां पंजाब दे ऐसे वकारी इंस्टीट्यूशन सी मैं इनू गद्दारी गिणदा है कि तुसी वोट बैंक दी पॉलिटिक्स कीती तुसी 13,000 करोड़ रुपए इस गरीब कौम दा तुसी डाइवर्ट करता यू नो तंबू दा समान देना है भांडे देने है यू नो मैं इसनू गद्दारी गिणदा कि जदों जिहड़े लीडर हुंदे आ इह और इस तों सानू कांग्रेस पार्टी नू इक सबक मिलिया है कि तुसी भावें किन्ना भी वोट बैंक पॉलिटिक्स कर लो अखीर सीटां 15 ही आनियां यू नो तुसी इन्ना कुछ करके इन्निया बेनीमियां करके और तुसी निमरत थोड़ी तो इन्नी उम्र नहीं है यार थोड़े सोच देखने वाले भी शायद इस गल नू ना अप्रीशिएट करन कि सब तो पहला इलेक्शन जेड़े है पंजाब च 1937 च होए सी और 1937 दे विच इत्थे मुस्लिम मजोरिटी सी पंजाब जिहड़ा मुश्तरका पंजाब सी ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਤੇ ਖਿਜ਼ਰ ਟਿਵਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 15 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਇਹਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਕਾਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਦਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛੜ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਦਾਰੂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਯੂ ਨੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਯੂ ਨੋ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਉਹੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਨਾਰਾ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਦਤਾਂ ਜੋ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੀਗਲ ਆਰਡਰਸ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯੂ ਨੋ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਟਿੰਗ ਏਜ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੂ ਨੋ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਮਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂ ਨੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਟਕ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵੀ ਭਟਕ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਗਿਣਦੇ ਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗਿਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਬਣ ਗਈ ਨਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਸੜਕ ਬਣ ਗਈ ਪੁਲ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ
खुशहाल जिंदगी बसर करेंगे, तरक्की होएगी जदों। और गवर्नमेंट का की काम है, ये सड़कां बनानियां या गली नाली बनानी तो इंजीनियर्स का काम है, सरकार का काम है कि लोकां दी आमदन दे विच असीं इजाफा किवें करिए। थोड़ी कमाई ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट समझ नहीं रहे लोग। कमाई जिस और जिस दिन पंजाबी तरक्की होगी तो सरकार या मनप्रीत नूं दसण दी लोड़ नहीं है, थोड़े चुल्हे दसणगे वी साडी तरक्की हो गई है जी। बिकॉज़ इन नशा गैंग वॉर इस सब रिलेटेड ने, ये सारियां रिलेटेड है और बदकिस्मती नाल ये सानू विरसे च मिलियां हुई है जी। साडी ये भरपूर कोशिश है, सरकार दा ये अजम है कि ये जिहड़े दुश्मन असीं इन्हां नूं दुश्मन गिणदे हैं, इस मुल्क दे दुश्मन है, पंजाब दे दुश्मन है, और सो ये अंदरूनी दुश्मन भी है, बैरूनी दुश्मन भी है, एसटीएफ बनी हुई है, और जिवें एक जिहनूं अंग्रेजी च कहिंदे कि इक इहदा कैसकेडिंग इफेक्ट जिहड़ा है, जिवें जिवें इनफॉर्मेशन गैदरिंग उहदे च इजाफा आएगा, ये हौली हौली देखोगे इन्हों का, ये जिहड़े साडे देश दे दुश्मन है इन्हां ते कानून का जिहड़ा घेरा है ये दिनों दिन तंग हुंदा जाएगा, और इस दिन दूर नहीं जदों इन्हां नूं असीं कानून दे शिकंजे च लै लांगे। और एक सिर्फ ये नहीं कि आर्थिक मंदहाली करके होया, ये किसे तक ये साडी गवर्नेंस मॉडल जिवें तुसीं कहा इहदे च एक करप्शन का पहलू है, एक लिथारजी है, कंप्लेसेंसी आ चुकी है। सो इनू एक बार जिवें कोई बंदा सुता पिया है, कोई सुपने सुता, इनू शेकअप करने की भी अच्छ जरूरत है। सो मैं शर्मिंदा है कि ये वाकया जड़े है, जड़े छुटपुट वाकया गैंग वॉर दे है, ये खत्म होने च नहीं आ रहे, इन्हों जल्दी तो जल्दी इन्हों गिरफ्त जे विच किवें लिया जावे। और कैप्टन अमरिंदर सिंह और उन्हां दे नाल जिहड़े लोग काम करते हैं, वी आर सीरियस, यू नो, असीं इस गल ते बड़े सीरियस है कि किवें ना किवें इहदा निपटारा होना चाहिए जी। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਮਦਦ ਲਈ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਰਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ ਨੇ? ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇਮਦਾਦ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰ ਆਨੇ ਉਹ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਚਾਰ ਆਨੇ ਉਹ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਡੈਵਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਵਾਰੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ RBI ਤੋਂ ਕੀ ਰਿਸਪੋਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਮਰਤਬਾ ਹੋਇਆ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਜਾਂ ਹੈਸੀਅਤ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਰਥੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਦੀਦ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟੀ ਹੱਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਬੜੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ 99% ਸੁਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੀ 5 acres ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 5 acres ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2 lakh rupees ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੋਪ ਲੋਨ ਦੇ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੱਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਤਮੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਹ 17 August ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਆ ਗਈ। ਔਰ 2-3 ਇਹਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 10 lakh ਕਿਸਾਨ, 14 lakh ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਔਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 10 lakh ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ
थोड़ा ना थोड़ा फायदा जरूर पहुंचेगा। और वो 10 लाख चो पहला तो बैंक सानू डेटा देने को तैयार नहीं सी, क्योंकि एक प्रिवेसी का लॉ है कि सरकार नू सो असी RBI नू पहला तो यह मनाया कि तुसी जिन्हां जिन्हां दे लोन जिहड़े डिलिंक्वेंट हो चुके हैं या जिहड़े कर्जे इस साडी स्कीम चाहते हैं तो तुसी इहदा डेटा सानू जरूर दे दिओ कि किस नाम ते है, किन्ने परिवारां ते नाम ते है या इन्हां दा आधार कार्ड नंबर या वगैरह वगैरह, क्योंकि एक सो इहदियां मोडैलिटीज़ है, इहदा तरीका ते सलीका की करना है। सो एक तो यह सी, दूसरा साढ़े बैंकों को भी मुतालबा सी कि असी टोटल 10,000 करोड़ यकमुश्त बैंकों का असी टेक ओवर कर रहे हैं, और कई अकाउंट्स ऐसे है जिन्होंने अंग्रेजी डिलिंक्वेंट कहते हैं या बट्टे खाते च पै गए ने, तो सानू कोई ना कोई ये सानू वन टाइम सैटलमेंट कर दो ताकि सानू आसान हो सके। सो ये 3-4 चीज़ा जड़िया असी इनू टाई अप कर रहे हैं। साड़ी हर मुमकिन कोशिश है कि जे हक साहब की रिपोर्ट 17 अगस्त आती है तो 1 सितंबर तक ये जी स्कीम है ये नोटिफाई हो जाए। हुण तकरीबन किसान जिहड़े पंजाब दे आ उन्हां नूं वी इह पता है कि सरकार जिहड़ी है सरकार दी हैसियत नहीं है कि असीं लोन माफ़ कर सकीए, सरकार मजीद लोन लै रही है। सरकार इस तो ज़्यादा साढ़े मतलब साड़ी औकात ही है नहीं, असीं नवां कर्जा चक के तो किसान का कर्जा जिहड़ा ला रहे हैं। किसान नूं इह वी पता है कि 2 लाख का कर्जा माफ़ हो जाएगा। मैं तुहाडे काले कैमरे दे अखां दे जरिए मैं किसानां नूं अपील करांगा कि रब दा वास्ता है, यू नो अपनी औलाद दा वास्ता दिंदा है कि तुसीं ये जिहड़ा एक्सट्रीम स्टैप तुसीं सुसाइड दा लैंदे हो ये तुसीं ना करो। और मैं ये तुहाडी वी गल मनण नूं तैयार हां कि कल्ला कर्जे माफ़ी नाल किसान जिहड़ा उहदा मुकम्मल हल नहीं होना, इहदे नाल नाल किसान दे जिहड़े बेटे बेटियां उन्हां लई सानू रुजगार दे मौके पैदा करके देने पैणे आ, उन्हां नूं उन्हां बच्चों नूं कोई ना कोई स्किल सैट पैदा करन ताकि वह अपनी रोटी कमा सकन। किसान नूं उहदा जिहड़ी जिहड़ी उहदी प्रोड्यूस है उहदी जिहड़ी उपज है उहदा मुनासिब रेट मिल सके, फसली चक्कर जिहड़ा है इहदे च कोई तरमीम आ सके। तुसीं निमरत शायद हैरान होंगे कि पंजाब इस वेले एग्रीकल्चर का एक लीडिंग स्टेट है। एग्रीकल्चर च वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जम धरती की तो कोई नुक्स नहीं है, बट 70 साल दे विच पंजाब सरकार कोई एग्रीकल्चर पॉलिसी है नहीं। लीडर जरूर है पर साढ़े कोई पॉलिसी नहीं है कि किस किस्म के असी यू नो क्रॉप पैदा करने हैं और ये किवें बेचांगे इहदे की मुल मिलना है। पहली मरतबा होया कि पंजाब जिहड़ी फार्मरस कमीशन अजय जाखड़ साहब बैठे वो एक एग्रीकल्चर पॉलिसी तैयार कर रहे। अज तो पहला टोटल जिहड़ा तवज्जो हुंदी सी नारा हुंदा सी कि प्रोडक्टिविटी वधाओ प्रोडक्शन वधाओ प्रोडक्शन वधाओ, कांग्रेस सरकार ने हुण इस नारे नूं भी तब्दील कीता है कि प्रोडक्शन नहीं वधानी, किसान का जिहड़ा वेलफेयर है ये प्राइम ऑब्जेक्ट है, तुसीं प्रोडक्शन जिन्नी मर्जी वधा लो सीरियल क्रॉप दे विच किन्नी किन्ना फायदा हो जाएगा। सो असी जिहड़ी नवीं एग्रीकल्चर पॉलिसी बना रहे हैं उहदे च फार्मर वेलफेयर इज नंबर वन कि किसान दा फायदा होना चाहिए, प्रोडक्शन जिहड़ी है वध घट होवे उहनूं एक पूरी सपोर्ट दित्ती जाएगी, किस तरह की क्रॉप नाल ज़्यादा मुनाफा होएगा, फर्टिलाइजर यूज बिकॉज अन्ना वाह आई थिंक साडी मेन प्रॉब्लम है जिहड़ा नवा ट्रैक्टर आंदा दे वांट टू बाय दैट एंड असी कोशिश ये जिहड़ी नवीं एग्रीकल्चर पॉलिसी है कि हर साल असी जिहड़ी कैमिकल पेस्टिसाइड है फर्टिलाइजर है इहदी वरतों हर साल 10% घटाइए ताकि अगले 5 सालों जिन्ना असी कीड़े मार दवाइया या असी खाद पाने इनू 50% घटा दी। असी जो भी चीज़ उगा रहे हैं उहदा पहला मार्केटिंग मैकेनिज़म जिहड़ा है वह ठीक करिए। पंजाब नू खास करके जिहड़ा पैडी है झोना है झोने चो किवें मुक्त कराइए, कुछ ऐसे जोन भी है साढ़े और शायद थोड़े सुनने वाले शायद मेरी गल का यकीन ना करन कि पंजाब दे विच जिहड़ा जमीनी पानी है इहदे लई 8 या 10 साल च ये खत्म होण जा रहा है। जदों जमीन चो पानी खत्म हो जाता है तो फिर की हुंदा है, धरती दबनी शुरू हो जाती है, सिंक होल्स बन जाते हैं, धरती पाट जाती है और ये दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कां च होया है, कैलिफोर्निया च होया है, इनू खड्डे पै गए है टोए पै जाते हैं और पंजाब सिर्फ 8-10 साल ते बैठा है। सो असी कहने कि अगले साल असी कोशिश करांगे एग्रीकल्चर पॉलिसी आ गई
कि झोने का कोई ना कोई बदल दईए, पर बदल देने तो पहले दी मार्केटिंग मैकेनिज्म वगैरह वगैरह। ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 31,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਵਾਂ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਚੂਹੇ ਤਾਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨਿਮਰਤ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ 4, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸੀਗੀ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ FCI ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਚੜ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੀ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣਾ, FCI ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ। ਜੇ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ? ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ 12,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੂਲ ਸੀ ਔਰ 18,000 ਕਰੋੜ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਲਾਇਆ? 11%। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੋਵਰਨ ਗਰੰਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, 8% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, 11% ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ CM ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, 31,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੰਡ ਲੈਣ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੰਡ ਲਏ, ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੰਡ ਲਏ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਇਵਰਜਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ 31,000 ਨੂੰ 1/3 ਪੰਜਾਬ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲਏ, 1/3 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਸ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਗੋਸ਼ਾ ਰੱਖੇਗੀ, ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ 3,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 31,000 ਕਰੋੜ ਹੈ ਇਹ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰ ਖੱਪ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਰੀਬਨ 2,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹਰ ਸਾਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 40,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣੀ ਔਰ 5,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਸਿਵ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮਿਸ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਸਕੈਮ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜੋਸੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਘਾਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪਲਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਗਿਰਵੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪਲਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ GST ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਾਫਿਸ ਹੋਇਆ,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पंजाब नू नहीं सारे जिन्ने भी इंडिया के स्टेट्स है उन्होंने अश्योर किया कि असीं तुहानू 14% का इनक्रीज देवांगे जे इहनू 14% नू 5 साल वास्ते जे कंपाउंड करिए ग्रोथ नू तां इहदा मतलब यह होया कि 5 सालां च तुहाडे टैक्स रेवन्यू जिहड़े डबल हो जाणगे पंजाब इन्हें जी एस टी ने सारा नक्शा बदलता है इस तो पहला टैक्स उन्हां सूबियां च कट्ठा हुंदा सी जिहड़े प्रोडक्शन स्टेट सीगे मसलन महाराष्ट्र सी करनाटक सी तमिलनाडु सी हरियाणा सी जे मारुति कार हरियाणे च बनदी सी तां उन्हां नू सी एस टी जिहड़ा वह हरियाणे नू मिल जांदा सी इह जी एस टी ने क्योंकि यह डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है हुण टैक्स जिहड़ा है उत्थे कट्ठा होया करूगा या उस सूबे नू मिलूगा जिथे कंजम्पशन हुंदी है पंजाब जिहड़ा इक बड़ा हाई कंजम्पशन स्टेट है हालांकि फाइनेंस डिपार्टमेंट सानू नहीं पता चलता कि क्योंकि किसी साथ कैप्चर ही नहीं हो पाता पंजाब दे विच मोटरसाइकिल विकदे है वॉशिंग मशीन विकदियां है फ्रिज विकदे है कारा विकदियां है ये पैसा कित्थों आउंदा है ये पता ही नहीं चल रहा और पता इस करके नहीं चल रहा कि 1 करोड़ पंजाबी जिहड़ा है परदेसां च बैठा है वह हवाले के जरिए अपने रिश्तेदारां नू अपने परिवारां नू पैसे भेज रहे सो मैनू लगता है कि 14% जिहड़ा सानू इह तां इक किस्म दी इंश्योरेंस है बट साडी ग्रोथ जिहड़ी आनी है एक्चुअली क्योंकि कंप्लायंस वध जानी है टैक्स जिहड़े अदायगी लोग ईमानदारी नाल कर चोरी का कोई गुंजाइश नहीं रही पंजाब शुड बी लुकिंग एट अ टैक्स इनक्रीज ऑफ बिटवीन 20-25% फॉर द नेक्स्ट 5 years हाँ एक तो मैं इस गल ते होपफुल है कि साडे टैक्स रेवन्यूज वधणगे दूसरा मेरी ये पुर जोर और पुर खलूस कोशिश होएगी कि खर्चे जड़े है वो ना वधन दईए एक एक पाई दे असी अमीन बनिए कोशिश करांगा कि खर्चे कटा लिए और जे साडे रेवेन्यू वध जाण और खर्चे घट जाण तां जाहिर है कि फिर चौथे साल च असीं जीएसटी तो इलावा असीं कितना अपने आमदनी वधाउण बारे सोच रहे हां असीं कुछ ऐसे फैसले लए है जिन्हां नाल देखो नवे टैक्स की गुंजाइश घट गई है पर खर्चे घटाण की तो गुंजाइश बहुत ज़्यादा है मसलन एक छोटा जिहा मैं तुहानूं उदाहरण देवांगा कि असी ये फैसला कर लिया फाइनैंस डिपार्टमेंट ने कि जिन्हें भी सरकारी दफ्तर है वह किराए के दफ्तर च बैठे है तो 31 जुलाई तो बाद जे वो क्योंकि सरकार सरकारी इमारतां पई हैं सरकारी दफ्तर खाली पए है तुसीं किराए ते दफ्तर दी थां लई होई है जे 31 जुलाई जिहड़ा कि अज है इस तों बाद कोई सरकारी दफ्तर किसी प्राइवेट मकान च बैठा है तो उहदा किराया उहदे HOD ने देना है फाइनैंस ने नहीं देना इहदे नाल सानूं 480 करोड़ रुपए का बचत होएगी असीं 3 महकमिआं का मैन पावर ऑडिट कराया है कि कि थोड़े कोले बंदे कित्थों तनखाह लै रहे की काम कर रहे सानू 600 करोड़ रुपए का इहदे च खामियां पता चलियां जिहड़ियां कि इन्हों लोग कित्थे बैठे है की काम कर रहे है ये है भी कि नहीं है सो असीं हुण इहदा सारे टोटल पंजाब गवर्नमेंट दे जिन्ने इंपलॉयज है उन्हां दा ऑडिट जिहड़ा है ये शुरू सो ये छोटियां छोटियां गल्लां एक एक बूंद नाल अखीर बाल्टी भर जांदी है सो और मैं कहांगा कि जे यही पैसा जिहड़ा है क्योंकि जो गवर्नमेंट नूं टैक्स आंदा है ये टैक्स का फिर सरकार की करदी है फिर जिहड़े गरीब लोग है उन्हां दी ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट ते गरीबी दूर करन ते लगदा इंफ्रास्ट्रक्चर ते तो मैनूं लगदा है कि पंजाब जिहड़ा है 4-5 सालां च मेरा दिल इस गल की गवाही दिंदा है कि जिहड़े भी हिंदुस्तान दे सूबे है असीं वापस पंजाब नूं उत्थे उन्हां नूं सफे अव्वल ते इहनूं लै के आवांगे जे मैं एक निजी गल वाल आवां अज ताड़े ते ताड़े छोटे भरा विच जो अनबन चल रही कितने शरीके की लड़ाई जापती है कितने ताड़े ते परसनल अटैक्स हो रहे हैं ये पंजाब जिवें ओह ना दोनों दे विच ओह बन गया है सो दिस डजंट दिस अफेक्ट यू परसनली नहीं देखो गल ये है कि सब तो पहली गल तो यह है कि मैनू तकरीबन हुण 24 साल हो गुजरे है MLA बने नू और 24 साल कोई थोड़ा अरसा नहीं हुंदा एक सदी का 1/4 हिस्सा हुंदा मैं अज तक कदी
हराम करनी नहीं देखा, और जेडे मेरे दायरे कार्च लोग है मैं उन्होंने भी नहीं देखने दिता, और 24 साल कदी मनप्रीत ते कोई और मेरे दुश्मन भी जड़े है वो मेरे ते इल्जाम नहीं लाते कि ये कोई यू नो परसनली इन्हें कोई करप्शन या इन्होंने कोई बेनीमी की हो गए, और जे कोई लांदा भी है जिवें तुसीं कहा कि थोड़े ते परसनल अटैक्स हो रहे हैं तो वह लोग कर रहे हैं जिन्हां दे आप दे दामन दागदार है। अज तो तकरीबन 2000 साल पहला हज़रत ईसा मसीह ने एक गल कही सी कि पत्थर वो मारे जिन्हें गुनाह ना किया हो, सो जिन्हां दे आप दे दामन दागदार नहीं है जे कोई यह जिहियां गल्लां वो कहिंदे, क्योंकि साडी तां हुण इह कोशिश यह है कि पंजाब दे विच गरीब का चुल्हा ना बुझे, पंजाब के बच्चों नूं रुजगार मुहैया कर सकीए, पंजाब तरक्की करे, और ये छोटे छोटे जिहड़े पिन प्रिक्स हुंदे आ ये चलते रहिंदे, बट अखीर जिहड़ा फैसला है फैसला तो पंजाब की जनता ने करना हुंदा, इन्हां लोकां ने नहीं करना जिहड़े कि ये दोष लांदे आ, और हर 5 साल बाद मनप्रीत लोकां दी कचहरी च पेश हुंदा है, और कई किस्म के मेरे एक्सरे भी किए जाते हैं यू नो लोकां दी, एंड लोग माफ कर देंगे, सो चलता है लोग समझते हैं। जे असी मैं एक गल विचों भुल गई, बट अज एक डेट देनी हुई किसान नूं कि इस तरीक तक असी उम्मीद करते हैं, तो 1 सितंबर तक असी कह सकते हैं कि मैं वसूक ना कह सकता कि 1 सितंबर तक कोशिश तो करांगे पहला हो जाए, पर 1 सितंबर तक कर्जा माफ़ी का नोटिफिकेशन जिहड़ा वो पंजाब सरकार जारी कर दूगी। पर मैं किसान भरावां नूं यह भी कहांगा कि जिहड़ा काम सालां दा दसां सालां दा तरिया पिया है, अबल दा 70 सालां च भी किसी ने नहीं किया, 2-4 दिन इधर उधर भी हो जाण तां तरीक की कोई अहमियत नहीं है, पर मेरी कोशिश है कि 1 सितंबर तो पहला हो जाए, 1 सितंबर नूं तां करना पैणा। सर ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੱਵਲ ਨੰਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਹ ਸਫਲ ਰਹਿਣ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।